इंडिया पोस्ट की तरफ से पार्सल मुझे मिला है, मतलब इंडिया पोस्ट का यूज़ करके। और मुझे एक सेलर ने ये सीक्रेट शेयर किया था कि इस तरीके से पैक करने से ये एक बुक पोस्ट बन जाता है जो उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है। बट इसकी डिसएडवांटेज ये हो सकता है, अभी जैसे बीच में बरसात से आ गई तो मे बी उससे आपकी बुक्स वगैरह ख़राब हो जाए, बाकी तो ये तरीका अच्छा है। चलिए ओपन करते हैं इसको। तो पार्सल अनबॉक्स कर चुका हूँ, कुछ भी इसमें बबल रैप कुछ नहीं था, बस वो आपके सामने जो था वो था, सीधी बुक्स निकल गई हैं। बुक्स की कंडीशन अच्छी है क्योंकि कम्पैक्टली पैक थी, इस वजह से रैंडम पार्सल आप देख सकते हैं, बिल्कुल रैंडम बुक्स हैं। और ये मनोज कुमार की तरफ से फ्री गिफ्ट मुझे मिला है जो डायमंड कॉमिक्स का है, ये उन्होंने अच्छा किया। फिर मैं बताऊँ इसमें ये है कि प्राइस जो इन बुक्स की थी ना बहुत ही कम थी, और ऐसे मैंने जो पार्सल पहले शेयर किए हैं वो सलमान भाई के थे, हालांकि ये सलमान भाई का ना हो करके उनके पास एक उनके फ्रेंड थे उनका था, और उनकी ऑथेंटिसिटी भी सलमान भाई ने कन्फर्म करी थी। पैकिंग कुछ नहीं थी, बस ये इनके ऊपर गत्ता था और वो बुक पोस्ट के फॉर्म में आया था, बट लकीली कुछ ख़राब वगैरह हुआ नहीं था। लेकिन जब हाँ रेनी सीजन वगैरह हो तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बट क्योंकि इन्होंने मार्जिन बहुत कम रखा था तो संभव नहीं था। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कल का जो पार्सल था मैं आपसे शेयर करना भूल गया था, बहुत ही अच्छी पैकिंग में था, आपने देखा भी होगा, बट अंदर की जो बुक्स थी बहुत ही बुरी कंडीशन थी, एकदम पथरी कंडीशन थी, ऐसा लगा था कि पानी में भिगा कर सुखाई हुई है या फंजाई लगी हुई है या बहुत ज़्यादा पढ़ करके ख़राब हो गई हैं, सील वगैरह लगी हुई थी बुक्स की। तो वो पार्सल की पैकिंग टॉप क्लास की थी जो कल मैंने किया था, बट मुझे वो बाद की फीलिंग अच्छी लगी, इसमें बहुत अच्छी फीलिंग लगी। तो बहुत ही रैंडम है, आप खुद भी देखेंगे तो थोड़ा चकित होंगे कि कभी किसी सीरीज़ का, जैसे सरोना के विस्तार का सेकेंड या थर्ड पार्ट होगा, अंतकाल ये भी फोर्थ पार्ट की सीरीज़ थी, उसका लास्ट पार्ट है, काल करके सीरीज आई थी, सुपर इंडियन या तिलिस्म देव का कोई रिबूट था, पता नहीं क्या था, देखेंगे इसको। मृत्युदंड ग्लोसी का रिप्रिंट है, इसकी भी सीरीज मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में दिखाई होगी, सिंगल बुक मिली है, बट ये है कि अपनी सीरीज़ की फर्स्ट बुक है, मुझे काफ़ी पसंद है तो ले ली। ब्रह्मांड संहिता आखिरी सीरीज की लास्ट बुक है, ₹100 इसका MRP है, एक्चुअली ओरिजिनल प्रिंट है, देखो आगे प्रिंटेड है ये, लेकिन काफ़ी सही रेट में दी थी। नुकसान ये था कि 8 पार्ट की सीरीज़ थी और 8 पार्ट की ओरिजिनल सीरीज़ मिलना तो बहुत मुश्किल है, बट ये मेरे को लास्ट का पार्ट मिल गया, ऐसे एंजॉय करने के लिए सुन गया। ब्रेकआउट अगेन सेम वही है, ₹100 का ओरिजिनल प्रिंट है, ₹100 का प्रिंट, 80 पेज के ₹100 हो गए थे क्या, पता ही हो गए होंगे या तो ये रिप्रिंट होगा, बट जो भी है ये ₹100 की थी। इनका डिसएडवांटेज सभी का एक ही है कि वो सीरीज़ के पार्ट है और वो है जो है सो है, तो इसी कंडीशन में मुझे मिली थी कि जो है सो है करके, वो वाली कंडीशन में अगेन ₹100 के अवशेष हैं, ये भी शायद MRP पे मेरे उससे कम में मिल गई है। अब इसका एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि पहले जो सलमान भाई के पार्सल था उसमें आपने हेड्रोन नोटिस करी होगी, तो अवशेष चुनौती हेड्रोन 3 पार्ट की सीरीज है, आपने कई बार चेक करा होगा मेरे चैनल पे। तो इसमें अब अगेन मैं आपको बताऊं तो वो मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट से पहले, तो हेड्रोन मेरे पास हो गया है, ओरिजिनल RC का अवशेष हो गया, चुनौती नहीं है, इस तरीके से तार कनेक्ट हो जाते हैं, ये भी वही चीज़ है। तो सभी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक ही है, एडवांटेज ये कि बहुत ही मिंट कंडीशन, सुपर मिंट कंडीशन में सस्ते दाम पर मुझे मिल गई थी, और डिसएडवांटेज ये कि सभी के सभी सीरीज़ के पार्ट कोई भी इनमें बुक्स आई थिंक कंप्लीट नहीं है, एक भी बुक कंप्लीट नहीं है, और आई थिंक यही कारण होगा इनके अच्छी रेट में और सही कंडीशन मिल जाने का, बट कोई इशू नहीं है, सबकी सब मेरी फेवरेट है, कुछ के लिंक जुड़ जाएंगे, देखना आगे कोई ना कोई मिल ही जाएगी बुक, और अवशेष का तो मिल ही गया है। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, और ये मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इन्होंने किया है, जो ये डायमंड कॉमिक्स का जो भी कंटेंट है, चाहिए 5-10 रुपये जो भी होगी फ्री होगी, पर उन्होंने हिसाब लिखा था दिस कॉमिक गिफ्ट फ्रॉम मनोज कुमार, तो जो सेलर है उनका नाम मनोज कुमार होगा, और मैंने उनका नाम भी मुझे याद नहीं था, मैंने जब उनका नाम सेव किया था तो वो सुपर कमांडर दूर के एंड गेम सेल कर रहे थे बहुत सस्ते में, बट वो मुझे मिल नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, हालांकि फॉर्चुनेटली वो अजय को मिल गई थी, मतलब एक ही पीस था और उसी का हक बनता था, उसी ने वो सेलर को डिस्कवर किया था। तो मेरी सीरीज आपने कल देखी होगी वो बाल चीज की कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एंड गेम पेंडिंग है, तो उनका नाम मैंने रखा था एंड गेम सेलर, तो उनका असली नाम मुझे पता लगा है कि वो मनोज कुमार है। चलिए धन्यवाद देता हूँ मनोज जी को, फिर एक अच्छी प्राइस में मुझे अच्छी अच्छी बुक्स दे दी, मिलते हैं किसी और वीडियो में।